नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचांग। आज मंगलवार का दिन के अब आगे अगर हम बढ़े, आज बुधवार का दिन, आज का दिन बजरंग बलि को वैसे अगर हम कहें मंगलवार को तो समर्पित वो होता है, लेकिन मान्यता यह है कि आज के दिन भी अगर आप बजरंग बलि का पूजन करें तो उससे बाहरी जो हवा है, भूत प्रेत है, बाधा है, वो जो ग्रह बाधा है, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए इस मौके पर हमारे साथ यहाँ पर इन सब चीजों को बताने के लिए, विस्तार से रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। इनसे हम जानेंगे आपकी राशियों के बारे में कि क्या कह रही हैं आपकी राशियां, राशि के अनुसार क्या खास रहेगा आपके लिए आज का दिन। इन सब के अलावा हम आपको यहाँ पर बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो आपकी जिंदगी से, आपकी राशियों से, आपकी ग्रहों से जुड़ी हुई है। राशियों पर बात करने से पहले लेकिन क्या कह रहा है आज का पंचांग, आइए हम वो जान लेते हैं। आचार्य जी, मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोक रंजकम अनायकैक नायकम विनाशिते भदेतकम नता सुभासुनाशिकम नमामितं विनायकम। ये भगवान गणपति का दिव्य मंत्र है और इस मंत्र का उच्चारण करने से पूरे दिन की समस्त जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि भगवान गणपति ही सभी विघ्नों के ईश्वर हैं। तिथि वार नक्षत्रम चा योगम करणम एव चा प्रातः काले शृणुया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन पांच चीजों के प्रतिदिन प्रातःकाल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आज विक्रम संवत 2071, शाक 1936, चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी युक्त त्रयोदशी है। पहले द्वादशी है सूर्योदय के समय, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नाम का नक्षत्र है, आज से पंचक आरंभ होते हैं और ये पंचक जिस प्रकार आप जानते हैं कि पांच दिनों तक चलते हैं और इन पांच कार्यों में नवीन ग्रह प्रवेश आदि कार्य नहीं करना चाहिए। सिद्धि नाम का योग है, गर नाम का करण है। इस प्रकार से आज ये अंग्रेजी की बात करें तो 18 मार्च की 18 तारीख हो गई है और सन 2015 है। इस प्रकार से समस्त पंचांग है। इस पंचांग को प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की, लेकिन आज हम जिस तरह से यहाँ पर बात करें कि आज जो बुधवार का दिन है वो राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, तमाम जो अलग अलग राशि हैं उनके जातकों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो अपनी जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर panchang@network18online.com। और आइए अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि की तरफ। की मेष की राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन आचार्य जी कैसा रहने वाला है, क्या परेशानियां, क्या दुविधा? देखिए, जहां मैं मेष राशि की बात देख रहा हूं, ग्रहों की स्थिति, आपकी परेशानी का मुख्य कारण है आपकी इच्छा अनुसार कार्य का ना होना, और आप संवेदनशील रहेंगे और बहुत जल्दी आप अपमान महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों को आप प्रेस्टीज इशू बनाएंगे और इस कारण से आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, इसके लिए जो उपाय करना है ये निश्चित रूप से समझें। भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का अपना एक नियम बनाइए कि ये पाठ आपको प्रतिदिन करना है और प्रत्येक मंत्र के अंत में, इस प्रकार से 120 मंत्र है इसमें, उसके अंत में ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः इसका संपुट लगाएं। कृष्णाय वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए ये समस्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इतना करने से आप देखेंगे आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, समस्त बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए, तो ये तो है मेष राशि के जातकों की बात की आज क्या करें वो और क्या ना करें, लेकिन वृष राशि के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आने वाला है? देखिए, वृष राशि पर जहां मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, अपनी योग्यता से अधिक लाभ पाने की इच्छा आपकी बनी हुई है। योग्यता कम है, इच्छाएं आपकी ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देखना है। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आप अपना धन अधिक खर्च कर देंगे, इसलिए कि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। शरीर की अपेक्षा आप मानसिक परिश्रम में अधिक व्यस्त रहेंगे, शरीर से कम मानसिक व्यस्तता आपकी अधिक रहेगी।
इसके लिए जो उपाय करना है ये समझे, स्नान के जल में साबुत चावल मिलाएं और पहना हुआ चाहे आप अंगूठी या जेवर जो भी आपने पहना है उसको भी जल में मिला दीजिए और उसके बाद उसी जल में आप स्नान करें। ये हमारे धर्म शास्त्रों में ज्योतिष ग्रंथों में स्नान के द्वारा भी ग्रह शांति के उपाय होते हैं। नीले कपड़े में साबुत मूंग बांध करके और कुछ घी अपने पास में लेकर के किसी भी धर्म स्थान पर आप उसको दान कर दें। इतना करने से आपके अनुकूल ग्रहों की फलों की वृद्धि होगी और जो प्रतिकूल ग्रह हैं, अनिष्टकारी ग्रह हैं, उनके फलों का निवारण होगा। चलिए, तो घर से निकलने से पहले अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप इन उपायों को जरूर करें ताकि इसका आपको लाभ मिल सके। और अब बारी आती है मिथुन और कर्क राशि के जातकों की कि आखिर मिथुन और कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि पर जहां ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूं, परिवार के साथ विशेष लगाव रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी योजना और योग्यता पर अहंकार ना करें, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है। इसके लिए जो उपाय करना है ये मिथुन राशि के जातक अवश्य समझे। पानी भरे टब में बैठ करके आप गणेश गायत्री मंत्र ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और जब के बाद उसी जल में स्नान करें। लेकिन ये ध्यान रखें, टब में पानी जो आपने भरा है वो कम से कम आपकी नाभि तक अवश्य होना चाहिए। इसी संबंध में मैं आपको कर्क राशि की बात बताता हूं। कर्क राशि में रुके हुए छोटे बड़े सभी कार्य आपके संपन्न होंगे। दूसरी बात, विवाह का अभी शुभ योग नहीं है। अगर आप इस समय विवाह करते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आप अपने निजी विचारों से ही काम करें, बहुत अधिक दूसरों से सलाह लेने के चक्कर में ना पड़े। सफलता के योग आपकी राशि पर पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके लिए जो उपाय करना है ये समझें, भगवान गणपति के 1000 नामों का आप पाठ करें, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ करते समय प्रत्येक मंत्र के अंत में जो संपुट लगाना है ये समझे, ओम नमः शंभवाय, इस मंत्र का संपुट लगा, अर्थात प्रत्येक मंत्र के अंत में इस पंक्ति का उच्चारण करें। चांदी का हाथी बना करके अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इतना करने से आपके समस्त अनुकूल ग्रहों की फलों की वृद्धि होगी और जो आपके अनिष्टकारी ग्रह हैं इनके दोषों का निवारण होगा। चलिए, वैसे जो कुछ ऐसे जो राशि वाले जातक हैं वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि इतना सब कुछ करने का उनको मौका नहीं मिल पाता, लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि आचार्य जी से हम वो मंत्र भी यहाँ पर लेते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं जो नहीं कर सकते वो आके छोटा सा क्या ऐसा मंत्र पढ़ें या करें कि आपको उसका लाभ उसी तरह से मिल सके। खैर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की, सिंह राशि के लिए आज आप क्या खास मंत्र बताएंगे। देखिए, जहां मैं सिंह राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, अपने काम में आपको पूरा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अपनी योजना और व्यापार में आप महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल ना आने दें, यह आपके लिए सजेशन है। अपने लगन से आप काम करते रहें, किसी प्रकार का अहंकार ना आने दें। आपके शत्रुओं से जीवन को खतरे का संकेत मिल रहा है, आपके शत्रु अधिक है मित्र कम है, ये अपने मन में आप बिठा लीजिए। अब जो मंत्र है ये आप समझे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल केवल 28 बार आपने जाप करना है और आज द्वादशी तिथि है, प्रत्येक महीने में दो बार द्वादशी आती है, द्वादशी तिथि का आप व्रत करें, आप देखिए किस प्रकार से आपके जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। बिल्कुल, और कुछ ईमेल के जरिए भी हमको सवाल मिल रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कन्या तुला और वृश्चिक राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं पहले वो जान लेते हैं। कन्या राशि पर जहां मैं ग्रह देख रहा हूं, अधिक परिश्रम के कारण स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, रात दिन आप परिश्रम में लगे रहेंगे। किसी अनहोनी जैसी घटना का संकेत आपकी राशि पर राहु के चलते आपको मिल रहा है, बहुत अधिक लाभ के प्रलोभन में आप ना पड़े, इस बात को ध्यान रखें। जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, भगवती शीतला माता का मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। इस मंत्र का केवल आपने 9 बार उच्चारण करना है और दूध में उबले हुए चावल में शक्कर मिला करके उसको ठंडा करके और 9 बार आहुति अग्नि में डाल करके हवन करें, भगवती शीतला माता कृपा करेंगी और आपकी ग्रह अनिष्ट जो है वो जो बुरा समय है उसका निवारण होगा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि पर जहां मैं देख रहा हूं, जरा सी भूल के कारण व्यापार और प्रतिष्ठा ये दोनों आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए ध्यान लगाने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि समय आपके पक्ष में है, अधिक निजी लाभ के प्रलोभन से आपको बचना चाहिए और जो उपाय करना है ये समझें, पीला जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र आप धारण करें और काला हीरा या काला मोती
ये प्रायः कम मिलते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करके आप इसको ढूंढ लीजिए, इसकी अंगूठी बना करके और अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, आप देखेंगे दिनों दिन आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी संदर्भ में मैं वृश्चिक राशि देख रहा हूं, विचारों में स्वतंत्रता का भाव अधिक रहेगा और मित्रों के विचार और योजनाओं में आपका तालमेल बैठेगा। घरेलू या वैवाहिक संबंधों में आपकी कठिनाई अभी बनी हुई है, इसके लिए जो उपाय करना है वो समझें। भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित जो बुद्ध कवच है इसका पाठ भी अगर आप करते हैं बेहद लाभ रहेगा आपके लिए। चलिए तो कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ करना है ये आपने यहाँ पर जान लिया, घर से निकलने से पहले, घर के आने के बाद या जब भी आपको समय मिले, जो आचार्य जी ने यहाँ पर बताया। अब विनीता है आचार्य जी, जो कि जानना चाहती हैं अपनी कुछ समस्या उनकी है, उनकी जो जन्म तिथि है वो है 5 जनवरी 1979, समय जो है वो है शाम के 5 बजे, जन्म स्थान राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ का। सवाल इनका यह है कि कई साल से ये संघर्ष कर रही है लेकिन इनका जो भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा है, क्या उनको करना चाहिए, कोई उपाय बताएं। देखिए जहां पर मैं विनीता जी आपकी कुंडली देख रहा हूं, यह आपकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चंद्रमा मीन राशि का होकर के बैठा हुआ, भाग्य स्थान पर केतु जो बैठा हुआ है, ये सारी स्थितियां आपके जीवन को संघर्ष में बना रही हैं। यद्यपि बृहस्पति आपका उच्च का है, धन स्थान पर बैठा हुआ है, धनम सुखम च भुक्तिम च सत्यम च बहुवक्ताम सर्व नेत्रालपहारश्च धन स्थानाद विचिन्तयेत्, धन स्थान से इन समस्त बातों का विचार होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके सप्तम भाव पर बैठा हुआ मंगलिक एक तो आपको मंगलिक योग बनाता है और वहीं पर जो सूर्य बैठा हुआ ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी संघर्ष में बनाता है। आपको मैं एक सजेशन देता हूं कि आप निश्चित रूप से बिल्ली पालें या बिल्लियों की आप सेवा करें, बिल्लियां आपको मिले हो आप उनको दूध पिलाइए और साथ में एक काले हीरा की अंगूठी बना करके 80 सेंट का काला हीरा ले लें और उसकी अंगूठी प्लैटिनम धातु में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की अंगूठे में पहने, आपने किसी उंगली में नहीं पहना, आप उस अंगूठी को अपने अंगूठे में पहने और आप देखिए बिल्कुल आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और सुखों की बरसात आपके जीवन में आरंभ हो जाएगी। चलिए तो विनीता जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, हालांकि एक बिल्ली की जो यहाँ पर बात की है हमारे हिंदू मान्यता में बड़ा बुरा इसको माना जाता है, लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, देखिए चूंकि बिल्ली हमारे ज्योतिष ग्रंथों में केतु का उपाय होता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्ली को हमारे धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी का रूप भी माना गया है, अगर बिल्ली की आप सेवा करें तो घर में लक्ष्मी आती है, अगर बिल्ली आपके घर में रोती है तो लक्ष्मी को ले जाती है, तो इसलिए बिल्ली पालने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और केतु का उपाय होगा, वो केतु जो आपका अष्टम भाव पर बैठा हुआ है कुंडली में विनीता जी के, उसका दोष निवारण हो जाएगा। और जो मैंने काला हीरा बताया है, चूंकि काला हीरा शनि का प्रतीक है और इनकी शुक्र की महादशा है, वो शनि की कृपा भी इनको मिलेगी जिससे धन धान्य की वृद्धि होगी। चलिए तो अब ये सुनने के बाद लगता है कि सबके सब एक एक बिल्लियां पालनी शुरू कर देंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग और आइए अब जल्दी से हम जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। धनु राशि पर जहां मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, असामान्य घटना घटने की संभावना आपकी बन रही है, पैसा तो आपका आएगा लेकिन पानी की तरह हाथ से निकलता जाएगा, यह भी आपकी कुंडली पर योग है। सभा में आपको बुला करके आपकी उपेक्षा की जाएगी, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि जो मैं उपाय दे रहा हूं निश्चित रूप से आप करें। बुध गायत्री है, ओम चंद्र पुत्राय विद्महे रोहिणी पुत्राय धीमहि तन्नो बुधा प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करना, 28 बार जाप करें, बेहद लाभ होगा आपके लिए। और इसके साथ ही मैं आपको मकर राशि के जातकों की बता दूं, रोगों की अपेक्षा दुर्घटना जनित परेशानियों की समस्या अधिक है, भविष्य के लिए पैसा बचा करके रखें अन्यथा दशा बहुत गंभीर हो सकती है, इसलिए मकर राशि वालों को चाहिए कि अपना पैसा संभाल करके रखें। उपाय जो करना है ये समझें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए और भोजन करने से पहले भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता का ध्यान करके आप भोजन करें, ये आपके लिए स्वास्थ्य और आपकी उन्नति के लिए बेहद लाभकारी है। इसके क्रम में मैं आपको कुंभ राशि की जातकों की बात बताता हूं, पहले की अपेक्षा अब समय में सुधार आ गया है, आय के साधनों में परिवर्तन होंगे
लेकिन लंबे समय तक ये जो आर का कार्य है ये स्थायी योग नहीं बना रहा है। अभी परिवर्तन होगा लेकिन पुनः आपका समय उसी प्रकार से आएगा। इसके लिए जो आपको उपाय करना है ये समझें, भोजन नाश्ता करते समय सिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, सिर के ऊपर कोई कपड़ा ना रखें। प्रातः सायंकाल में सोने के बाद और विवाद प्रातः और सायंकाल ये दोनों समय जो है ये ध्यान रखें कि आप घर में किसी प्रकार का वाद विवाद पैदा ना होने दें। मीन राशि के जातकों का जो फलादेश है वो ध्यान से समझें। विद्या में सफलता का अच्छा योग बन रहा है और साथ ही मुख्य कठिनाई मन के अनुकूल काम ना मिलने की है। आप जो काम करना चाहते हैं, जो आप काम ढूंढ रहे हैं, वो आपके मन के अनुकूल कारण नहीं मिल रहा, यही आपकी परेशानी का कारण है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि पर। अब जो उपाय है वो समझें। आचरण संबंधी जो आपकी तामसी वृत्तियां हैं इनको आपको त्याग करना चाहिए। साथ में भगवान विष्णु, शिव या देवी दुर्गा के उस स्वरूप का ध्यान करें जो राक्षसों का संहारक स्वरूप है, उसका आपको ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और भगवान श्री गणपति के 12 नामों का उच्चारण करना आपके जीवन के लिए बेहद लाभकारी होगा। और ये उपाय करके देखें, जीवन में अलौकिक आपके परिवर्तन निश्चित आएगा। चलिए, तो ये तो सभी राशियों की बात हो गई। अब जल्दी से हम यहाँ पर राजेश शर्मा का एक सवाल है आचार्य जी। जन्म तिथि जो इन्होंने बताई है वो बताई है 11 मार्च 1967 और जो जन्म का समय है वो है सुबह 5:30। जन्म स्थान जो बताया है वो है चंडीगढ़। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही अव्यवस्थित हूँ, कौन सा काम ऐसा है जो कि इनके लिए सही है, क्या उपाय ये बताएं। देखिए, राजेश जी की कुंडली मेरे सामने है और इस कुंडली को जो मैं देख रहा हूँ यह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्ने नरो जाता चल चित्तोति शौर्यदा परदारतो नित्यम मृदुकायो महासुखी। इनको यह आवश्यक निर्देश दिया जाता है, प्रायः कुंभ राशि के लोगों का चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता, तो एक तो अपने चरित्र को ये बिल्कुल ठीक करें। दूसरी बात है कि चंद्रमा इनकी कुंभ राशि का है, इसलिए शनि मंदिर में जाने का अपना प्रतिदिन का नियम बनाए। शनि इनके इष्ट देव है, उनकी उपासना आप अवश्य करें राजेश जी। और वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए केतु की महादशा है, इसमें शुक्र का अंतर 28 अगस्त 2015 तक है। ऐसी स्थिति में आपको सौंदर्य से संबंधित व्यापार करना चाहिए और अगर कोई महिला आपकी पार्टनरशिप बन जाए किसी महिला के साथ में, चाहे आप धर्म पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, किसी के साथ में भी आप पार्टनरशिप में व्यापार करें, लेकिन पार्टनर महिला होनी चाहिए। आपके निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, व्यापार में उन्नति होगी और यही लाइन आपके लिए सूट करती है, इसी लाइन पर आप व्यापार करें। चलिए, तो राजेश जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर अब कार्यक्रम को यहीं पर ही वाइंड अप करना होगा। शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम राशियों के बारे में बताने के लिए।